सो है वेलकम बैक गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है अपनी मुंबई सीरीज के एक नए दिन और एक नई जगह। तो आज हम आए माहिम और एक ऐसी जगह पे हम लोग जा रहे हैं जिसके वजह से ये माहिम जो स्टेशन है उसका नाम हुआ है। तो आज हम जा रहे हैं शाह मखदूम फकीर अली माहिमी जो बाबा थे जिनका यहाँ पे दरगाह है माहिम दरगाह जो काफ़ी फेमस है, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो वो दरगे में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग यहाँ पे, मतलब माहिम स्टेशन से अराउंड एक 10 मिनट की दूरी पे। और अगर आपको लैंडमार्क चाहिए होगा तो आप बाबा फॉल का डाल देना, आपको इजीली वो रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ से एक पानी के अंदर भी दरगाह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका जो हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले चलते देखते हैं दरगाह के। दोस्तों जैसे आप यहाँ से इंटर करोगे तो यहाँ पे मुंबई का सबसे फेवरेट बाबा फालूदा जो खाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं वो आपको यहाँ पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे फालूदा जो स्टार्ट है वो 90 रुपीज़ है और 240 तक है, तो आपको खाने के लिए पार्सल दोनों मिल जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे अभी माहिम दरगाह की ओर। ठीक है, तो दोस्तों आज फ्राइडे यानी जुम्मा है तो बहुत सारी भीड़ है, आप देख सकते हो। और एवरीडे आप इवनिंग में कभी भी आओगे ना तो इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे, और गली बहुत छोटी है और यहाँ पे लोग भी रहते हैं, देख सकते हो। यहाँ पे चावल वाल सग रहा है और बहुत सारे स्टॉल्स है यहाँ पे, आपको खाने के लिए है, आपको चादर चढ़ाना है वो भी है, सब कुछ है अंदर की ओर। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे और ये रास्ता देख लो, काफ़ी सही है और बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब देखा जाए तो ये श्रद्धा स्थान ही उनका, बहुत सारे लोग आते हैं। और माहिम के जो पुलिस वाले हैं वो खास करके इस दरगाह में आते विजिट देते हैं, तो वो भी क्यों वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो जो माहिम दरगाह है वो मुंबई का 600 साल पुराना दरगाह है जो बाबा माहिमी थे उनके डेथ के बाद बनाया गया। और पुलिस स्टेशन और इनका ये रिश्ता है कि ऐसे कहा जाता है कि अभी के टाइम पे माहिम का जो पुलिस स्टेशन है जिस जगह पे बनाया गया है वो जगह पे बाबा माहिमी जो थे उनका घर था, इसीलिए जो पुलिस वाले हो वो हर जुमे यहाँ पे, मतलब ये पढ़ते, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ठीक है, सो दोस्तों फाइनली हम लोग जो है दरगाह के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें, ये है मेरे पीछे जो है वो दरगाह है माहिम का और वो है मस्जिद, मस्जिद यानी जहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है, और दरगाह जहाँ पे मतलब जो मेन है होता है जहाँ पे चादर वगैरह चढ़ावा जो कुछ किया जाता है वो वहाँ पे। तो पहले हम लोग यहाँ पे चलेंगे, वहाँ पे नहीं जाएंगे हम लोग। और जैसे आप अंदर एंट्री करोगे तो यहाँ पे चप्पल रखने के लिए भी है, तो 5 रुपये मतलब पर पैर है, और आपको ऐसे भी रखने हैं तो आप यहाँ पे निकाल के रख सकते हो, लेकिन यहाँ से चोरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अंदर चलते हैं। ठीक है, दरगाह जो है वो हमारा कवर करके हो चुका है और हम लोग बैक साइड पे जा रहे हैं जहाँ पे समंदर के अंदर है। तो जाते समय आपको बहुत सारे ऐसे मस्जिदें लग जाएंगी जहाँ पे नमाज पढ़ा जाता था, अभी फिलहाल के टाइम पे बंद है बहुत सारे। ठीक है, तो दरगाह बहुत सही है, आप यहाँ पे ज़रूर विजिट देना, माहिम स्टेशन से कुछ 10 मिनट की दूरी पर ही है। और जैसे मैं हर टाइम कहता हूँ, आप चाहे मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, जहाँ पे भी जाके आपके दिल की शांति मिले वहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए, इसलिए हम लोग सारा मुंबई घूम रहे हैं आपके लिए से। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोग चलते हैं बैक साइड और आपको दिखाते हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बाद में कि यार तुम यहाँ पे क्यों जाते हो, वहाँ पे क्यों जाते हो, तो ये जो वीडियोस है वो सबके लिए जो मुंबई में सब रहते हैं उनके लिए। ठीक है, और अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ बेनिफिट मिलता है, मतलब नॉलेज मिलता है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप भी नॉलेज दे सकते हो कमेंट करके। ठीक है, आपको भी ज़्यादा कुछ जानकारी होगी इस प्लेस के बारे में तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि सब जन मतलब सबके पास पहुँच जाए वो, हम भी सबको अच्छे से बता पाए। ठीक है, आप नीचे हो गए, आपको यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह दिए हुए, तो आप यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे आते तो आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, और यहाँ पे हॉर्स राइड भी है तो वो भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। ये देखो, ये सामने जो दिख रहा है झंडा, ये दिखा देता हूँ आपको बड़ा करके, ये देखिए यहाँ पे भी चादर चढ़ाते हैं, यहाँ पे भी है। यहाँ की खासियत हिस्ट्री ये है कि जो मखदूम अली बाबा है माहिमी, जो बाबा है जिनके नाम पे दरगाह है, जिनके नाम से इसका नाम माहिम है मतलब इस एरिया का, तो उनकी जो बकरी थी जिससे वो पैर करते थे वो वहाँ पे मतलब वो क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था तो वो मर गई थी, तो उस टाइम उन्होंने वो बकरी को जिंदा किया था उस जगह पे, जो जगह मैं आपको सामने दिखा रहा ना उस जगह पे, इसलिए वो जगह फेमस है। और ये देखो बोट से जा रहे लोग, क्योंकि कैसे ये पानी पूरा सूखता है वो ओपन होता है, लेकिन आज हमारा बैल लगे कि हम लोग आए उस टाइम पे पानी पूरा भरा हुआ है, मतलब भरती है पूरी। तो अगर आपको विजिट करना होगा यहाँ पे आते हो तो वो होड़ी से भी लेके जाते हैं, नाव से भी, तो नाव से भी वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, और देख सकते हो ये पूरा पानी समंदर भरा हुआ है और नीला समंदर। ठीक है हमारा, और वहाँ पे है दादर चौपाटी। ठीक है, और यहाँ पे है बैंड्रा जहाँ से हम लोग जा सकते हैं बैंड्रा के यहाँ पे। ठीक है, और हमारा यहाँ पे मतलब वहाँ पे तो हम लोग ने वीडियो बनाया हुआ है, अभी यहाँ पे आए हुए, और ये जो है वो वहाँ पे हमें जाना था, ये पॉइंट जो दिख रहा है आपको, हाँ ये पॉइंट पे हमें जाना था, लेकिन अभी
बैड लक की वो ये नहीं है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ज़रूर विजिट करना, मैं कहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पे आते हो तो वहाँ पे ज़रूर जाना। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं कल और एक नए दिन और एक नई जगह पे। बाय बाय, ठीक है।